नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मेंस पे स्वागत करता हूं। और सीपीओ के बहुत सारे पेपर देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद काफ़ी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं कि सीजीएल प्री 2018 किस लेवल तक आ सकता है और कैसा आ सकता है। तो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उन सब टॉपिक्स के एक स्पेशल सीरीज क्वेश्चंस हम करेंगे। जब भी मैं वीडियो में आऊँगा तो हम नए नए सवाल, सिर्फ अब जो हमें आदत डालनी है वो नए सवालों को करने की डालनी है, ताकि हम नए सवालों को जब पेपर में देखें तो हमें डर ना लगे, हम यहीं पे फेस कर लें। तो आज मैं काफ़ी सारे अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आगे की और वीडियोज़ में भी लेके आऊँगा, जिससे आपको नए क्वेश्चंस करने की आदत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बहुत खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊँ जो तुम्हें भुला दे, वो दवा कहाँ से लाऊँ जो इस दर्द को मिटा दे। कहते हैं ना लोग कि मिलना तो लिखा होता है तकदीरों में, वो तकदीर कहाँ से लाऊँ जो हमें मिला दे। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और बहुत खूबसूरत सवाल जिसको कहते हैं हार्ड क्वेश्चन को बदलेंगे इजी सॉल्यूशन में। तो आप मैं अभिनय अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ा रहा हूं, जिसमें 60 आवर्स पर मंथ एडवांस मेंस, अल्टरनेटिवली अर्थमेटिक हम पेपर तक पढ़ेंगे, रेगुलर मेंस तक, जिसकी फीस है मात्र 1000 रुपीज़। और अगर आप अभिनय 192 रेफरल आईडी यूज करते हैं तो ये 900 पर मंथ है। तो अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और घर पे प्रैक्टिस से बचना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखेंगे आज की क्लास का पहला सवाल, और आप खुद देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है और क्या लेवल है आपका, और जज करिए। एक सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, कि पी ए इज द टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ वाइल पी सी बाइसेक्ट द एंगल ए पी बी व्हाट द मेजर ऑफ एंगल ए सी पी। अब आप ऐसा करिए, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोशिश करके देखिए कि ये सवाल पेपर में आपके सामने है तो आपकी क्या अप्रोच होगी। अच्छा, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो चलिए क्या तुक्का लगाएंगे, 60 लगाएंगे, गलत आंसर है। तो देखेंगे आप कि क्या इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, मैं बताता हूँ। करते हैं इस सवाल को बहुत आप खुद देखेंगे कि वाकई में जो ये सवाल आपसे नहीं हुआ और आपको लग रहा था कि बहुत कठिन है, ये कितना आसान सवाल था। तो देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे। लाल पेन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं, सेंटर से मिला दूं, तो आप ये कहेंगे कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये कहेंगे आप, ये 90 डिग्री होगा। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ये रेडियस है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, कह सकते हैं। नहीं, ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे क्योंकि ये रेडियस है, बी ओ भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है इनका। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम इसे और बड़ा भी कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस एंगल को मैंने थीटा माना, तो मैंने बोला ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये थीटा होगा, थीटा थीटा मिला के कितना हो गया? 2 थीटा। अब आप बताइए कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 2 थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि ये पूरा एंगल होगा 90 माइनस 2 थीटा। बोलेंगे आप 90 माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आधा एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 45 माइनस थीटा। ठीक है, ये आधा एंगल कितना होगा? 45 माइनस थीटा। अब जो एंगल आपसे पूछा गया है ACP, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ACP जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कि ये P है, ये A है और ये C, और ये एंगल हम कितना निकाल चुके हैं? थीटा। ये एंगल हम कितना निकाल चुके हैं? 45 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आपसे पूछा है ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम होगा, आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल देख पा रहे हैं, 45 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत खूबसूरत सवाल था, और मैं कोशिश करूंगा अगली बार हम इमेज को और बड़ा करें और रेड पेन से भी ना लिखें ताकि आपको ठीक दिखे। ठीक है, तो आपने देखा कितना खूबसूरत सवाल था। ऐसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में आएंगे, तो ये जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, जो मैं ये पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें और पेपर तक कम से कम हम 400-500 सवाल कवर कर लेंगे। तो 400-500 सवाल में से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैंने सीपीओ का पूरा पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, सारे क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे पेपर में सवाल आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई कठिन पेपर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नए क्वेश्चन को ही हम कठिन क्वेश्चन मानते हैं। वैसे भी कठिन कभी पहले भी नहीं आता था, लेकिन हमें नए क्वेश्चन ही कठिन लगते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। तो पेपर का मतलब यही है कि सारी चीजें जिंदगी की तरह है, एग्जाम भी, यहाँ पे आपको सारी चीजें पहले से नहीं पता होंगी कि क्या होने वाला है। और अगर ये पहले से पता हो तो जीवन का सस्पेंस खत्म हो जाता है। मज़ा ही नहीं आएगा फिर जीने में। सब कुछ पहले पता होगा आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या बनने वाले हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, आपकी ससुराल में बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है, छोटी छोटी सालियाँ आके आपको जीजा जीजा जी कर रही हैं। तो वो एक मतलब सारी बातें प्री निर्धारित नहीं है, पहले से पता नहीं होती, वक्त बदल देता सारी चीज़ों को। तो अगले खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला सवाल भी बहुत खूबसूरत नगमा है, आप देखेंगे आपके सामने। मैं सवाल का साइज बढ़ा देता हूँ, देखिए सवाल क्या कह रहा है। In the figure given below, ABCD is a rectangle and M is the midpoint of CB perpendicular to the diagonal AC. तो what is the ratio of AB और AD आपसे पूछ रहे हैं। AB और AD और बड़ा कर देते हैं, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब आपको इमेज भी दिख रही होगी कि AB और AD पूछ रहा है। मैंने सवाल थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है कि आप पॉज करें वीडियो को और देखें कि क्या ये सवाल अगर आपके सामने पेपर में आया है तो आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सवाल ये है कि ABCD एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और M मिड पॉइंट है CB का और परपेंडिकुलर टू डायगोनल AC पे परपेंडिकुलर है। तो AB और AD का अनुपात आपसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ, कितना अच्छा सवाल है ये। AB और AD का अनुपात हमसे पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर खास। जैसे अगर मैं ये एंगल अल्फ़ा मान लूँ तो हमें पता है कि ये एंगल अल्फ़ा होगा या नहीं, ठीक है। और ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा। इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो 90 माइनस अल्फ़ा। अब मुझे जैसे मैंने इसको y मान लिया और x मान लिया, तो सवाल में मेरे से यही पूछा है कि AB अपॉन AD बताओ, AB अपॉन AD यानी कि y अपॉन x मुझसे पूछा गया है सवाल में कि y अपॉन x क्या होगा। तो देखिए जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि भाई ऐसे सवालों को हमेशा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो कभी भी कोई सिमिलरिटी या कुछ नहीं लगाना चाहिए, सीधे सीधे टेन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा का खेल है, लगा देते हैं टेन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। तो आप मुझे बताइए खुद ही कि इस ट्रायंगल में टेन अल्फ़ा कितना होगा। तो आपका जवाब होगा कि इस ट्रायंगल में टेन अल्फ़ा बराबर होगा y/x। देखिए अगर इस सवाल को दिमाग में आना कितना मुश्किल है, आप खुद करके देखते, वरना वीडियो को पॉज करके तो आपको पता चलता। हमने भी वीडियो को पॉज करके देखा, आपने देखा ही होगा एक कट आया, ठीक है, कि कितना मुश्किल है ये सवाल, आसान नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल में यही चीज़ लगाता हूँ, tan 90 माइनस अल्फ़ा, तो आप बोलेंगे कि ये tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, cot अल्फ़ा। तो ये cot अल्फ़ा कितना होगा, ये x है तो ये xy 2 होगा क्योंकि मिड पॉइंट बोला हुआ है। तो tan 90 माइनस अल्फ़ा यानी कि y/xy 2 यही होगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 1 बराबर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2y/x यानी कि 2y² बटे x²। हमसे पूछा है y/x सवाल में, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे से सवाल जो कि कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में आएंगे तो उस वक्त ये लगेगा यार ये तो सवाल मैंने कभी देखा नहीं, और आप देख के छोड़ देंगे। तो ऐसे कुछ सवालों की प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। जिन सोर्सों से पेपर बनता है या जिन किताबों से, उन किताबों के कुछ ऐसे सवाल जो कि देखने में हो सकता है पहली बार देखेंगे तो कठिन लगें, लेकिन उनके सॉल्यूशन आसान है। एसएससी में आज तक कभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा गया जो कि बहुत हार्ड है और उसका सॉल्यूशन भी हार्ड है। सवाल हार्ड हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन इजी होना चाहिए। समझ रहे हैं, ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन सफ़र आसान होना चाहिए, और हम बनाएंगे सफ़र को आसान, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत खूबसूरत नगमा हमने लिया हुआ है, जैसा कि हमेशा से मैं ऐसे सवालों को कराता रहा हूँ। आप देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है, x and y are the midpoints of AD and BC. If the area of the shaded region is 28 cm², what is the area of the ABCD? ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद होगा, देख लो shaded region कैसा है, shaded region का एरिया 28 है और आपसे पूरा एरिया पूछ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो आप देखो, मैंने तो हमेशा एक ही चीज़ की कि ऐसे सवालों में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इतना सा दिमाग अगर हम लगा लें कि अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे, तो आप देखेंगे कि जितना ट्रायंगल मैंने यहाँ से हटा दिया उतना ट्रायंगल ही मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये आप देखेंगे। और ये मिड पॉइंट है भाई इसका, तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो अगर ये 28 दिया हुआ है तो ये भी 28 होगा, यानी पूरा एरिया कितना आ जाएगा, 56। और ये इस सवाल का उत्तर है। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आइसोसेल ट्रेपेजियम में आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है ना वही सवाल आएंगे, वो सवाल तो पुराने हो गए, 1 साल हो गया पढ़ाए हुए। अब कुछ नए नए सवालों में उन्हीं कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आप बहुत दिमाग लगाएंगे, ठीक है, आप परपेंडिकुलर डाल देंगे, मैं मानता हूँ कि आप कर लेंगे, लेकिन पेपर में सवाल करना बड़ी बात नहीं है, पेपर में सवाल कम समय में करना बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, ट्रेपेजियम के केसेस में, कि ये ट्राइंगल हटा के अगर ऊपर चिपका दें तो ये दोनों, देखिए ये मिड पॉइंट है और ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनका एरिया बराबर होगा। और इनका एरिया बराबर होने के बाद हमें पता चल गया कि जैसे नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे ही एक रेक्टेंगल ऊपर बन जाएगा, तो नीचे वाले का एरिया 28 है, ऊपर वाले का भी 28 होगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी बहुत खूबसूरत है और एरिया पे ही है, देख लीजिए आप इस सवाल को। द टू रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल टू ईच अदर एच सोन इन द फिगर, वाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया इज सेडेड, कितना एरिया सेडेड है ये बताना है आपको, ठीक है। आप सोच लीजिए एक मिनट। और मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया अभिनय ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जिसपे इंग्लिश की क्लास अभी ले रही है मैम, एक बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा रही हैं। आप देखिए बेसिक से जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और जो शुरुआत करना चाहते हैं या जो कम से कम प्री में 30, 35, 40 स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, वो पढ़ सकते हैं वहाँ से, और वो पेपर से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है। और मैंने भी जो 2 टॉपिक छोड़े हुए हैं, एक रेशियो प्रपोर्शन, और 3 टॉपिक मैंने अभी तक छोड़े हुए हैं, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, और एक कौन सा छोड़ा हुआ है टाइम एंड वर्क, वो भी मैं पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। The two regular hexagons are equal to each other as shown in the figure. What fraction of the parallelogram? देखिए इस सवाल में भी कुछ नहीं करना आपने, अगर देखा तो मुझे नहीं लगता कि आप what fraction of the parallelogram area is shaded, कितना एरिया shaded है ये बताना है बस, ठीक है, कुछ नहीं। बहुत आराम से करेंगे इस सवाल को। मान लेते हैं कि मैंने पहले तो रेड पेन से ये ऐसे बना लिया, ऐसे ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और आपको पता है कि इसमें ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, 6 ट्राइंगल बनेंगे इसमें ऐसे, ठीक है। फिर एक ऐसे ये ट्रायंगल बन जाएगा, और फिर ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये 6 ट्रायंगल, ठीक है। इतना ही एरिया लगभग ऐसे इधर बनेगा, यानी कि इधर वाला पार्ट कितना होगा, मैं अगर 1 मान लूँ इसका एरिया 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो कितना हो गया ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट ये और 6 पार्ट ये, 12 पार्ट तो शेडेड है। अच्छा पूरा कितना होगा आप बोलेंगे, तो ये सब भी 1, 1, 1, 1, 1, 1 होंगे, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, सिमिलर है, और ये वाला पार्ट भी 6 हो गया, तो 6 और 6, 12, और 24 में से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आधा जो है वो शेडेड है। बस कुछ नहीं किया हमने, कोई दिमाग नहीं लगाया, बस ऐसे ट्राइंगल बना दिया और सिमिलर सिमेट्री लगा दी कि भाई ये सिमेट्रिक ट्राइंगल बन रहे हैं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे इस तरीके से। अगर मैं ये पैरेलल लाइन खींचूंगा तो इसमें 2 ट्राइंगल बन जाएंगे जो इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे। आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरे पेन से भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 6 ट्राइंगल बन गए, 6 इसके अंदर बन रहे, यानी कि आधा पार्ट शेडेड है और आधा पार्ट अनशेडेड है, तो हाफ इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले बहुत खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल इतना खूबसूरत है कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस सवाल को नहीं कर सकता। द 2 सेमी सर्किल आर ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, 2 सेमी सर्किल दिए हुए हैं, अर्धवृत्त कोड सीडी जीवा सीडी की लंबाई 8 है जो कि पैरेलल है एबी डायमीटर के, बिगर सर्किल का डायमीटर है एबी, और ये टच कर रहा है स्मॉलर सर्किल को, तो इन्होंने पूछा है शेडेड रीजन यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना, पता है इस सवाल में जिसने कुछ करने की सोच ली उससे ये सवाल होगा नहीं, क्योंकि इस सवाल में करना ही नहीं है कुछ। बहुत खूबसूरत सवाल है ये, वन ऑफ द बेस्ट सवाल जिसको कहेंगे। देखिए मान लेते हैं सेंटर तो मानना पड़ेगा, मैंने हमेशा कहा है कि जैसे शेडेड रीजन निकालना है, मुझे सिर्फ सीढ़ी दे रखी है, सीढ़ी कितनी दे रखी है मुझे, सीढ़ी बराबर 8 दे रखा है, सिर्फ मुझे सीढ़ी दे रखी है सवाल में और कुछ नहीं दे रखा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सीढ़ी दे रखी है तो सबसे पहले भाई अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो आपका जवाब होगा जी 2 सेमी सर्किल हैं, और अगर आप इन दोनों की रेडियस पता कर लेते हो तो बात बन जाएगी। लेकिन क्या ज़रूरी है मैं दोनों की रेडियस अलग अलग पता करूं? मैं अगर r² - r² पता कर लेता हूं तब भी तो बात बन जाएगी। तो ऐसे ही होगा ये सवाल। अगर हम ये रेडियस मान लेते हैं, छोटे वाले की r है मान लिया हमने, ये बड़े वाले का सेंटर है, ये o मान लिया मैंने, इसका सेंटर बड़े वाले का m मान लिया, तो ये कितना है भाई, ये भी r होगा। और अगर बड़े वाले की रेडियस मैं r मान रहा हूँ तो ये कैपिटल R होगी। हम ये जानते हैं कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो वो जीवा को बाइसेक्ट करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये 4 होगी। देख पा रहे हैं 4? नहीं देख पा रहे। कौन सा कलर लें, कौन सा पसंद है तुम्हें? ऐसे कहते हैं ना कि जब साइड में कोई बैठा हो कार में और वो पूछ ले कौन सा फ्लेवर चाहिए तुम्हें आइसक्रीम का, कितना अच्छा लगता है ये पूछना, ये एहसास जो मैंने भी नहीं लिया। तो ये चार होगा। तो आप देखेंगे कि ये आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर ये क्या बन रहा है। तो आप बोलेंगे ये तो पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 4 चौक 16। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 16। तो अगर हम यहाँ पे 16 रख दें, इसकी जगह 16 रख दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 पाई। और यही इस सवाल का उत्तर है। एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा क्वेश्चन के बारे में कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए नहीं आए, आपको कैसे लगे, ताकि हम आगे की भी ये वीडियो ये सीरीज कंटिन्यू रखें। जैसा कि आपने QOD जब हम एक एक सवाल करा रहे थे तो उस चीज़ को उतना अप्रिशिएट नहीं किया था, लेकिन इस चीज़ को करिए क्योंकि बाकी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं जो कि बहुत आसान है लेकिन नए हैं, इसीलिए देखने में कठिन लगेंगे, लेकिन जब सोल्यूशन करेंगे उसके बाद ये आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं और अगली क्लास में मिलेंगे। और भी कोई सवाल बचा है तो देख लें क्या, नहीं कोई सवाल नहीं बचा तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। और अब बैक टू बैक ऐसी एक सीरीज टाइप चलाते हैं कि जितने भी सवाल बच गए, जो भी आपने जहाँ भी पढ़ लिया, मैं हर जगह ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हर जगह अवेलेबल हूँ, अपनी अभिनय मैथ्स ऐप पर अवेलेबल हूँ। और जैसे कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि कहीं आप पेड पढ़ा रहे हो कहीं फ्री, बहुत सारे लोगों को शिकायत है। तो देखो, एक तो पहले मैंने सबसे पहली बात तो कि मैंने किसी से कोई कहीं पैसा नहीं लिया। ठीक है, अगर लोग मेरे को ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर मैं कहीं पे भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं एज ए एजुकेटर पढ़ा रहा हूँ और एक सैलरीड पर्सन हूँ। ठीक है, तो कोई पैसा मैंने आपसे नहीं लिया। अब जाके मैंने अपने अभिनय मैथ्स ऐप पे जरूर कोर्स स्टार्ट किया और वो भी मैंने मैथ्स इन्फिनिटी कोर्स स्टार्ट किया है कि भाई बच्चा अगर एक बार कोर्स ले लेता है तो हम उसमें वीडियो पुश करते रहें, फीड करते रहें। कहीं भी ऐसा नहीं किया कि मतलब कि वीडियो फिक्स कर दी अब इतनी रहेंगी, बच्चे के हिसाब से भी। जैसे हमें पता चलता है कि भाई अगर CGL के पहले पेपर में प्रोबेबिलिटी से सवाल आ गए तो हम पहले दिन ही उसमें 3 वीडियो 4 वीडियो बना के प्रोबेबिलिटी पर डाल दें। तो ऐसा कोर्स हमने स्टार्ट किया और हमें भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें चलाने के लिए थोड़ी बहुत फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डोनेशन तो देता नहीं है। इतनी जगह से ट्राई किया कि यार कहीं डोनेशन मिल जाए, कहीं डोनेशन मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इस चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। आज अगर हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए भी डिजिटल बोर्ड ऐसे ही कोई हमें नहीं दे देता। तो थोड़ी बहुत आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। बाकी मैंने YouTube पे भी पढ़ाने में कहीं कोताही नहीं बरती है और आगे आने वाले इन 3 महीनों में भी कहीं बरतूंगा भी नहीं। आपको ये 1% भी कहीं नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। आप डिमांड करिए और मैं पढ़ाऊँ। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कोर्स लेगा, जो नहीं कर सकता वो नहीं लेगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो हर जगह ही पढ़ा रहा हूँ। मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ भाई, वहाँ पे अलग मॉडल है कि मैं पेनटैप पे पढ़ा रहा हूँ बैठ के। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस 60 आवर्स पर मंथ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चों को, जिनको प्रैक्टिस करनी है। वहाँ तो फीस भी कुछ नहीं है, 900 पर मंथ ट्यूशन फीस की तरह। तो आप उस चीज़ को बहुत माइंड ना करें, आप अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें। अगर आप भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपने जीवन स्तर को सुधार सकें, जो जिस हालात में आप जी रहे हैं उसको बदल सकें। आपको भी जॉब से एक सैलरी की उम्मीद है तभी आप कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लग जाए आज कि आपको सैलरी बिना जॉब के मिल जाएगी तो आप में से कोई भी नहीं पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, कोई पढ़ेगा आप में से? आपको लगता है आप, या आपको पता लग जाएगा आपका रिजल्ट ऐसे ही हो जाएगा तो आप किताब नहीं छूएंगे। आपका लालच सिर्फ इस बात से है रिजल्ट से कि आप किताब इसलिए पकड़े हुए हैं हाथ में क्योंकि आपको रिजल्ट से उम्मीद है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबको जो जैसा कर रहा है वैसा करने दीजिए। आप ना किसी को जज करिए। आपको नुकसान लगता है भाई हर जगह, सीधी सीधी हमने तो बात रखी है, हर जगह रिफंड पॉलिसी है। अगर आप जा रहे हैं कहीं, हम पढ़ा रहे हैं, हम तो एज ए एजुकेटर हैं भाई, सैलरीड पर्सन है। आपको लगता है आपने किसी को पे किया है, आप ये कह देते हैं सीधे सीधे यार हमने आपके नाम पे किया। अरे नाम पे करने का क्या मतलब है? आपने मेरे से सिग्नेचर थोड़ी ना कराया था कि नाम पे किया है। आप रिफंड लीजिए, रिफंड पॉलिसी सीधे सीधे। आपको पढ़ाना पसंद नहीं आता। बाकी मैं ये जानता हूँ कि जहाँ पे मेरे को टाइम की बाउंडेशन नहीं है वहाँ मैंने 100% दिया और बेहतरीन पढ़ाया। और जो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, एल्जेब्रा में जीरो बनाना, सिमेट्री करना और ये इतने खूबसूरत खूबसूरत सवालों के इजी सॉल्यूशन, आप मुझे एक एजुकेटर का नाम बता दीजिए, लोग पढ़ा देंगे। पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, वो सब हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत भी की और पढ़ाया भी है और ये आंखें भी जलाई हैं और अब तक जीवन के 28-29 साल गणित को दिए भी हैं। उसमें जीवन भी बहुत बीता है, बहुत सारी इच्छाओं को मारा भी है। तो ऐसे ही आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच गया। आप तो उस चीज़ को जज कर लेते हैं बड़े आसानी से कि अरे नहीं, इंसान तो पैसा ले रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये तो बुरा हो गया, ऐसा हो गया। अरे जज करना, आप पहुँचिए ना किसी जगह पर, आप करके देखिए ना लोगों के लिए काम कि कितनी मुश्किल होगी। आप बना के देखिए ना 265 वीडियो किसी के लिए, आपको पता होगा कि कितना मुश्किल काम होगा करने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको हर बात की माफ़ी है। अगर आपको मुझे गाली देके भी खुशी मिलती है तो मैं उसमें भी खुश हूँ कि आप मेरी बदौलत कम से कम कुछ खुशी पा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशनसीब हूँ मैं कि आप मुझे गाली देके भी खुश हो लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।